Hello, welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And it is my email ID, lecture will be in bilingual mode, and we are discussing nowadays a very important topic under educational psychology, that is learning theories of behaviorism. इसमें से हम लोगों ने बात कर ली है कौन कौन सी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है. हम लोग बात कर चुके हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी की, यानी कि थॉर्नडाइक थ्योरीज ऑफ लर्निंग बात कर ली है. हमने क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि पावलोव की थ्योरी की बात कर ली है. हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग हमको शुरू करना है, लेकिन उसके पहले हमने पहले बी एफ स्किनर पे बात की, क्योंकि बी एफ स्किनर के पास भी इतना कुछ उनके बारे में जानने का था कि उनका एक अलग वीडियो बनाना पड़ा. बहुत सारी बातें उनके बारे में जानने के लिए थी अलग से ऑपरेंट कंडीशनिंग के, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही हमको इतना पता चल गया है कि जो रीइंफोर्समेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका केंद्रीय बिंदु है. उसी फोकल पॉइंट रीइंफोर्समेंट के इर्द गिर्द पूरी ऑपरेंट कंडीशनिंग घूम रही है, उस पर निर्धारित है, उस पर निर्भर है. तो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये दो शब्द ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका क्या तात्पर्य है, क्या मायने हैं, इसके बारे में मुझे लगा कि मुझे अलग से एक बार बात कर लूं, फिर मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग पे जाती हूं, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझना हमारे लिए इजी पड़ेगा. और वो नहीं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता, तो लेंदी वीडियो सुनने में फिर बहुत बोझिल लगते हैं, इसलिए मैंने इसको भी अलग कर दिया है. यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को मैंने तीन हिस्सों में तोड़ा है, बी एफ स्किनर को अलग बताया, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट को अलग बताने जा रही हूँ, और फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करूंगी, ताकि आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग का कांसेप्ट बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाए. और निश्चित रूप से लेक्चर बहुत यूजफुल होगा, आपसे बहुत सवाल स्किनर पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे, कंडीशनिंग पर पूछे जाते हैं, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट टाइप के कांसेप्ट्स स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में यूज किए हैं. तो उसको जान लें, एक बार समझ लें, तो हमारे लिए ये थ्योरी समझना आसान हो जाएगा. तो शुरुआत करते हैं रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे तो कुछ शब्द हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. वी यूज सेवरल वर्ड्स. कौन कौन से? पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट इन ए स्पेशलाइज्ड मैनर. इन ऑपरेंट कंडीशनिंग एक बात जो विशेष बताने वाली है यहाँ पे, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्या होता है कि हम बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की और हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की. तो लेमैन की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में, नेगेटिव शब्द को हम लोग किस अर्थ में लेते हैं? नेगेटिव को हम लोग लेते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है. लेकिन और हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को किससे संबद्ध कर देते हैं कि हम उसको कुछ कुछ बुरा करने जा रहे हैं उसके संग, किसके संग? जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है. लेकिन हमको ये बात ऑपरेंट कंडीशनिंग में समझनी है कि रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको बढ़िया ही करेगा, मतलब वो उसको किसी ना किसी तरीके से मदद ही करेगा. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं है, यही बात बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, बना रही हूं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू पनिशमेंट. पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, पनिश ही करेगा इंडिविजुअल को. और उसी तरह से रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो रीइंफोर्स ही करेगा, उसको रिवॉर्ड ही देगा, बस रिवॉर्ड देने का तरीका पॉजिटिव नेगेटिव है. उसी तरह से पनिशमेंट का तरीका पॉजिटिव नेगेटिव है, हमको ये बात ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो इसी बात को आगे समझते हैं कैसे, कि पनिशमेंट इन स्पेशलाइज्ड मैनर. इन ऑपरेंट कंडीशनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशनिंग डू नॉट मीन गुड और बैड. यही बात की जा रही है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशनिंग लिख दिया, सॉरी गलती से, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए यहाँ पे. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डू नॉट मीन गुड और बैड. इंस्टेड पॉजिटिव मीन्स, अच्छा पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव है. और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? हम कुछ हटा रहे हैं, यू आर टेकिंग समथिंग अवे. और पॉजिटिव का मतलब यू आर एडिंग समथिंग. लेकिन दोनों का गोल क्या है? कि हम इंडिविजुअल को रिवॉर्ड देना चाहते हैं. ऐसे समझते हैं इसको, रीइंफोर्समेंट मींस यू आर इंक्रीजिंग अ बिहेवियर. मतलब रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? कि हम चाहते हैं कि वो जो बिहेवियर है, वो जो बॉन्ड है, वो जो एसोसिएशन है, वो जो कनेक्शन है, वो स्ट्रेंथन हो जाए. स्ट्रेंथन हो जाए यानी कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. एंड पनिशमेंट का क्या मतलब है? कि हम चाहते हैं कि वो व्यवहार डिक्रीज हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, वीकनिंग हो जाए उसकी. तो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसी तरह से पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. लेकिन ऑल रीइंफोर्सर्स, सभी पुनर्बलक, चाहे धनात्मक पुनर्बलन होगा या ऋणात्मक पुनर्बलन होगा, उसका काम क्या होगा? उसकी टेंडेंसी बढ़ाना, इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ए बिहेवियरल रिस्पॉन्स. जो हमको व्यवहारात्मक अनुक्रिया मिल रही है, उसके होने की प्रभाविकता, उसके होने की प्रोबेबिलिटी हमको बढ़ानी है, या तो पॉजिटिव
तरीके से, पॉजिटिव तरीके से मतलब हम कुछ एड ऑन करके पढ़ाएंगे, या नेगेटिव तरीके से मतलब कुछ चीज हटा के डिक्रीज करके पढ़ाएंगे। उसी तरह से ऑल पनिशर्स, अगर हम पनिशमेंट देने जा रहे हैं तो पनिशमेंट जिस भी तरीके से हम देंगे, मतलब कि पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव तरीके से दें या नेगेटिव तरीके से, दोनों का गोल अल्टीमेटली क्या होगा कि हम उस बिहेवियर के लाइक्लीहुड को डिक्रीज करना चाहते हैं। बात समझ में आई? मतलब जो नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है वो कहीं से भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा रहा है, वो उसको सजा नहीं दे रहा है, वो उसको सहायता ही कर रहा है, वो उसको इनाम ही दे रहा है, वो उसको पुनर्बलन ही दे रहा है। बस तरीका क्या है कि नेगेटिव का मतलब हम कोई चीज हटा के उसको फायदा पहुंचाएंगे, और पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का मतलब हम कोई चीज बढ़ा के उसको फायदा पहुंचाएंगे। जैसे अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। रीइन्फोर्समेंट, मोस्ट इफेक्टिव वे टू टीच अ पर्सन और एनिमल अ न्यू बिहेवियर इज विद पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। जो भी अपनी स्किनर ने थ्योरी बताई है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, उन्होंने पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट को सबसे बढ़िया तरीका बताया है किसी बिहेवियर के लाइकलीहुड को बढ़ाने के लिए। भाव वो पनिशमेंट से भी रहा है, मतलब पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट, सॉरी घटा मतलब तरीका हो सकता है, या तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दें या हम उसका दूसरा भी इफेक्ट हो सकता है कि हम पनिश करके उनको सिखाएं। तो ये कहते हैं कि नहीं, पनिशमेंट इज नॉट अ बेटर वे टू टीच, पनिशमेंट इज नॉट अ बेटर वे टू स्ट्रेंथन द लाइक्लीहुड ऑफ ए रिस्पॉन्स। ये कहते हैं कि रीइन्फोर्समेंट अच्छा है। तो रीइन्फोर्समेंट में ये कैसे बताते हैं, इन पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट अ डिजायरेबल स्टिमुलस इज एडेड टू इंक्रीज अ बिहेवियर। यानी कि जो डिजायरेबल स्टिमुलस है, जो वांछनीय उद्दीपक है, जो हम चाहते हैं कि हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमको बढ़ाना है और नेगेटिव में घटाना है। जैसे अब इसको समझते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट समझते हैं। पॉजिटिव तो समझ में आ ही रहा है ना कि बच्चे ने अच्छा काम किया तो आपने क्लैप किया, आपने उसको चॉकलेट दिया, आपने उसकी बड़ाई की, प्रशंसा की, प्रशस्ति पत्र दिया, ये सब क्या है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। लेकिन नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट कैसे दिया जाए, मतलब कि कोई चीज ऐसी है जिससे बच्चे को दिक्कत है, हम उस दिक्कत को हटा लेंगे। तो जब दिक्कत हटाएंगे तो एक्चुअली हम उसकी मदद ही करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा अंधेरे से डरता है, तो हम क्या करेंगे, अंधेरा नहीं होने देंगे, हम लाइट जलने देंगे, या हम मतलब पूरी तरीके से अंधेरा नहीं करेंगे, थोड़ी सी लाइट मध्यम हो रहने देंगे, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे उसको डर लगता है, जिससे उसको तकलीफ है, उस हम डरने वाली चीज को हटा दे रहे हैं। वो कारक जो उसको डर प्रदान कर रहा है, दिक्कत प्रदान कर रहा है, अगर हम वो कारक हटा लेंगे तो डर लगना बंद हो जाएगा, दिक्कत लगना बंद हो जाएगा। तो इस यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, उस व्यवहार को होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, पुनर्वलन ही दे रहे हैं। बस तरीका क्या है कि पॉजिटिव में कुछ ऐड करके तरीका बढ़ाएंगे, उसकी प्रायिकता बढ़ाएंगे, और नेगेटिव में उसको हटा के बढ़ाएंगे। हटाएंगे किसको, वो चीज जो दिक्कत दे रही है, बढ़ाएंगे किसको, वो चीज जो खुशी दे रही है। उसको मीठा पसंद है, उसने बहुत अच्छा किया, आपने कहा कि आज उसको हम कोई मिठाई इनाम देंगे, कुछ उसके उसके मन की पसंद दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, उसके मन पसंद का खाना बना देंगे, ये पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का मतलब जो उसको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं बनाएंगे। ये भी तो एक तरीके से उसका उसके उसके हित में ही हुआ ना, हम इस तरीके से समझने चाहते हैं, समझाना चाहते हैं आप, है ना। रीइन्फोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी मदद ही करेगा। बस पॉजिटिव में हमको कोई चीज बढ़ा के उसका रीइन्फोर्समेंट देना है, और नेगेटिव में वो चीज जो उसको दिक्कत देती है, परेशानी देती है, दर्द देती है, तकलीफ देती है, उसको हटा के हमको रीइन्फोर्समेंट देना है। सिर्फ ये बेसिक अंतर है। लेकिन हमको कहीं भी नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट को पनिशमेंट से संबद्ध नहीं करना है। नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का पनिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग चूंकि नेगेटिव शब्द का नेगेटिव कोनोटेशन इस अर्थ में लेते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट को समझ लेते हैं कि वो पनिशमेंट है, वो ऐसा नहीं है। और पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो, हम ये समझ सकते हैं ना कि पनिशमेंट अगर पॉजिटिव है तो कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं, पनिशमेंट पनिशमेंट ही है। पॉजिटिव तरीके से दिया जाए या नेगेटिव तरीके से दिया जाए, ये आगे देखते हैं। पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑलवेज डिक्रीजेज बिहेवियर। पनिशमेंट का मतलब ही यही है, सजा इसीलिए दी जा रही है कि वो व्यवहार है उसको घटाना है, हम डिजायरेबल उसको नहीं चाहते, वो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, इसलिए हम उसको डिक्रीज करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होगा, इन पॉजिटिव पनिशमेंट यू एड एन अनडिजायरेबल स्टिमुलस टू डिक्रीज अ बिहेवियर। हम पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब, पॉजिटिव का मतलब इनका एड ऑन से है, नेगेटिव का मतलब हटाने से, यही रीइन्फोर्समेंट में है, यही पनिशमेंट में। तो पनिशमेंट अगर पॉजिटिव पनिशमेंट है, इसका मतलब हमें कोई ऐसी चीज बढ़ा रहे हैं जो उसको ना पसंद है, वो उसको नहीं चाहते आता है। जैसे वो उसकी खिल्ली उड़ाई जाए क्लास के सामने स्टूडेंट की, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, तो हम क्या करेंगे, बहुत भीड़ के सामने उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। या नेगेटिव पनिशमेंट, यू रिमूव अ प्लीजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज द बिहेवियर, मतलब कि वो स्टिमुलस जो उसको प्लीज करता है, जैसे उसको खुशी मिलती है, उसको हटा लेंगे, वो नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट जो चीज उसको दिक्कत क्रिएट करती है, वो दिक्कत बढ़ा देंगे। बात समझ में, कि पॉजिटिव का मतलब उस
स्टिमुलस को बढ़ाने से है, नेगेटिव का मतलब स्टिमुलस को हटाने से है, रीइन्फोर्समेंट में भी पॉजिटिव का मतलब कि बढ़िया चीज बढ़ाने से है, नेगेटिव का मतलब कि वो चीज जो दिक्कत कर रही है उसको हटाने से है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव को गुड और बैड के सेंस में ना लेके एड और डिक्रीज के अर्थ में लेना है, सिर्फ इतना. और एक और खास बात क्या कि पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू पनिशमेंट, ये हमको याद रखना है. ठीक है, कंपेरिजन करके देख लीजिए, ये रीइन्फोर्समेंट है, ये पनिशमेंट है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट होगा तो क्या होगा, समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर. रीइन्फोर्समेंट में देखिए हमेशा बिहेवियर का क्या है, लाइक्लीहुड हमको इंक्रीज ही करना है, इंक्रीज द लाइक्लीहुड, इंक्रीज द लाइक्लीहुड. उसी तरह से पनिशमेंट में डिक्रीज द लाइक्लीहुड, डिक्रीज द लाइक्लीहुड. तो पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव दिया जाए या नेगेटिव दिया जाए उसका मेन गोल क्या है, डिक्रीज द लाइक्लीहुड. रीइन्फोर्समेंट चाहे पॉजिटिव दिया जाए चाहे नेगेटिव दिया जाए उसका मतलब क्या है, इंक्रीज द लाइक्लीहुड. बस तरीका बदल दिया जा रहा है. ओके, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे. ये चीज मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि वो खुद वहां पे इतनी सारी चीजें बताने के लिए है, तो ये चीज एक एडिशनल एड ऑन हो जाता है जिसको अलग से समझ लीजिए कि दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, रीइन्फोर्समेंट और पनिशमेंट. वो कहते हैं कि वो आफ्टर इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो हमको मिलता है किसी भी घटना का, किसी भी प्रतिक्रिया का, वो निर्धारित करता है कि वो प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी कि नहीं. अगर रीइन्फोर्समेंट मिलता है तो प्रतिक्रिया दोहराई जाती है, नहीं मिलता है तो नहीं दोहराई जाती है या खत्म हो जाती है. तो रीइन्फोर्समेंट दो तरीके का, पॉजिटिव नेगेटिव, पनिशमेंट दो तरीके के पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव में हम कोई चीज अच्छी चीज ऐड करेंगे, नेगेटिव में खराब चीज हटा लेंगे, कब, जब हम रीइन्फोर्समेंट दे रहे हैं. उसी तरह से पनिशमेंट में पॉजिटिव में खराब चीज बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि जो चीज उसको दिक्कत क्रिएट करी, अनडिजायरेबल स्टिमुलस. और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या चीज, वो चीज जो उसको पसंद है वो हटा लेंगे. सिर्फ इतना ध्यान देंगे तो सही सवाल सवाल के सही जवाब दे पाएंगे. ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. डन फ्रॉम माई साइड.